झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है। अब झारखंड की सत्ता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा संभाले जाने का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाली है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही अभी फिलहाल जो हाल फिलहाल एक योजना आ रही है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के द्वारा लाया गया है, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इस योजना पे इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रही है, इस योजना के अंतर्गत आवेदन होने वाली थी लेकिन अभी तक इसका शुरुआत नहीं हुआ है, ना ही इससे रिलेटेड कोई फॉर्म जारी हुआ है, ना ही इससे रिलेटेड कोई वेबसाइट जारी हुई है। तो ये योजना को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं अभी तक इस योजना का शुरुआत किया है, सभी बातों का खुलासा लगभग हो चुका है। क्यों मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, क्या इसका इस योजना पे कोई प्रभाव पड़ने वाली है, डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में जाने वाले हैं। इस योजना का आवेदन होने में थोड़ा देर हो जाएगी या फिर योजना बंद हो जाएगी, डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में जाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर, वेलकम टू किशोर डीटीडब्ल्यू। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक पेपर कटिंग आपको दिख रहा होगा, जैसा की आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, झारखण्ड में सत्ता परिवर्तन, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा, चंपाई का इस्तीफा, हेमंत संभालेंगे सत्ता। सोरेन ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन को अपना नेता चुन लिया है। हेमंत सोरेन अब सीएम पद की कमान संभालेंगे। दिन के 11 बजे हुई सत्ता पक्ष में विधायकों की बैठक, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुहर लगाई गई। देख सकते हैं चंपई सोरेन जी के द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है, अब नए मुख्यमंत्री और 13वें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बनने जा रहे हैं। लगभग ये सारा चीज कन्फर्म हो चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन का इस्तीफा देना, इंडिया गठबंधन के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को अपना नेता चुनना, इस बात से ये कंफर्म हो चुका है कि झारखंड में नए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं, झारखंड का संभालने वाले हैं सत्ता। यहाँ पर देख सकते हैं एक फोटो भी दिखाई गई है जिसमें इस्तीफा देते हुए एक लेटर राज्यपाल जी को दिया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं और अन्य विधायक और मंत्रीगण यहां पर नजर आ रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं राज्यपाल को सौंपा गया 44 विधायकों का समर्थन पत्र, दिन में हुई सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक, नेता के रूप में हेमंत के नाम पर लगाई गई मोहर। हेमंत बोले, आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ना है, हम सभी एकजुट रहे, भाजपा को परास्त करना है। बैठक से लौटते हुए चंपई सोरेन ने कहा, राजभवन चलना होगा तो बताइएगा। फिर हेमंत प्रदीप चंपाई को लेकर घर पहुंचे। चंपाई सोरेन के द्वारा ये योजना लाया गया था, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, जिसमें झारखंड के 21 वर्ष से 50 वर्ष तक के सभी महिलाओं को जो कि गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, उन सभी को 1000 रूपए प्रति माह देने का घोषणा किया था। और घोषणा ही नहीं तो इस योजना को कैबिनेट में मंजूरी भी दे दिया गया है, तो आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाली है यदि आप इसके क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो। लेकिन योजना का आवेदन में इतनी देरी क्यों हुआ, लगभग आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि सत्ता का मुख्यमंत्री जी का उलटफेर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा इस योजना को लाया गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जैसे जेल से बाहर आए, इंडिया गठबंधन का बैठक हो जाने के बाद चंपई सोरेन के द्वारा इस्तीफा देना और नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के द्वारा सरकार बनाने का दावा करना, इस सभी कार्यों में लगे रहने के बावजूद सरकारी योजना को भी प्रभाव जरूर मिला है, सरकारी योजना भी प्रभावित हुए हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, उसके बाद चंपई सोरेन के द्वारा कुछ आवश्यक बैठक जो होना था, कई मीटिंग में शामिल होना था, सभी को रद्द कर दिया गया और आवश्यक जो बैठक सरकार के द्वारा होना था वहां पे शामिल किया गया और वहां पे सभी मंत्री विधायक जी शामिल हुए और क्या निर्णय लिया गया आपके सामने साफ साफ क्लियर हो चुका है। यही कारण लगभग रहा होगा कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना का आवेदन कराने में देरी हो रही है, ना ही इससे रिलेटेड अभी तक कोई फॉर्म जारी हुआ है, ना ही इससे रिलेटेड कोई सरकारी वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट जारी किया गया है जिससे कि आवेदक या लाभुक खुद से आवेदन कर सके या फिर प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन करा सके। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य के 13वें मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन, तीसरी बार संभालेंगे सीएम की कमान। झारखंड में मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल का भी यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से मुख्यमंत्री, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बने, उसके बाद यहाँ पे अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोहरा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन और फिर 13वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या इस योजना में कोई प्रभाव पड़ने वाली है, प्रभाव तो लगभग पड़ चुका है कि योजना का आवेदन होने में देरी हो चुकी है, ना ही आवेदन लेने से रिलेटेड कोई सूचना सरकार की ओर से अभी तक आई हुई है कि कौन सा डेट से आवेदन होगा या फिर कौन सी वेबसाइट से आवेदन होगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सरकारी योजना जब कैबिनेट में मंजूरी मिल चुका है तो 100% आप सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा, ये योजना ना ही बंद होने जा रही
रही है न ही स्थगित होने जा रही है। थोड़ा सा देरी हो रही है, इस महीने में इस योजना का आवेदन होने की पूरी संभावना है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। झारखंड को नए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, नए मुख्यमंत्री का जैसे शपथ ग्रहण हो जाती है उसके बाद ही इन सभी योजनाओं का संचालन में फिर से शुरुआत होगी। जैसा कि आपको पता है कि जब सरकार में ऐसा कोई नौबत आती है तो सरकारी योजना में थोड़ा सा प्रभाव तो जरूर पड़ता है, इसी प्रकार से प्रभाव पड़ा है, बट बहुत ही जल्द इन सभी योजनाओं को फिर से वही गति मिलेगी जो गति पहले मिल रही थी। बहुत जल्द इस योजना का आधिकारिक वेबसाइट लाइव किया जाएगा जिसमें आप लोग खुद से आवेदन कर पाएंगे, और उससे पहले उम्मीद है कि सभी पंचायत और सभी प्रखंड में कैंप लगाया जाएगा, जैसे कि इस योजना से संबंधित जो लेटर जारी हुआ है उसमें भी बताई गई है। तो जैसे कैंप लगाया जाता है वहां पर भी आवेदन कर पाएंगे, और जैसे इस योजना का वेबसाइट जारी हो जाती है उसमें भी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री भले ही बदल रहे हैं लेकिन योजना नहीं बदलेंगे, योजना नहीं बंद होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड ना ही बंद होने का कोई सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुई है, ना ही इस योजना को स्थगित वगैरह कुछ भी करने का नोटिफिकेशन जारी हुई है। सरकार वही रहने वाली है, बस मुख्यमंत्री चेंज होने वाले हैं। जैसे कि अब वो आवास योजना पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाया गया था, उसके बाद चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो उनके द्वारा भी इस योजना को आगे बढ़ाया गया। उसी प्रकार से श्री चंपई सोरेन जी के द्वारा ये योजना लाया गया है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, तो इस योजना को भी चलाया जाएगा अभी जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये योजना का भी संचालन होगा, बहुत जल्द आवेदन होगा, तो तैयार रहिए एंड चैनल पर बने रहिए हर एक अपडेट को जाने के लिए। जैसे फॉर्म हमारे पास उपलब्ध हो जाती है इस योजना से रिलेटेड या फिर जो वेबसाइट सरकार की से जारी किया जाना है उस वेबसाइट का लिंक जैसे हमारे पास उपलब्ध हो जाती है मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो वहां पर अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि 3 व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है, 4th मैंने बना दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को यदि आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कोई और टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।